मेरे आका और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की, नज़ेबा कलमात इस्तेमाल किए। अफसोस कि किसी को शोहरत भी चाहिए तो मेरे आका के कदमों में आना पड़ता है। बेशक बेशक ये चीज़ कानूनी तौर पर सही है तो फिर हम ऐसे कानून के खिलाफ भी जाएंगे। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मुसलमान रिएक्शन देगा। तारीख उठाकर देख ले, जब जब जिस कौम के खिलाफ मुसलमानों ने रिएक्शन दिया है उनके लिए जमीन रब्बे जुलजलाल ने तंग फरमा दी। वो दौड़े दौड़े फिरते रहे, उन्हें जमीन का एक टुकड़ा तक नसीब नहीं हुआ। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने पूरी दुनिया को अमन चैन का पैगाम दिया, आज उनके ही नाम पर विवाद शुरू हो गया है, जिसकी आँच कानपुर और तमाम शहरों से होते हुए सुल्तानपुर की सरजमी तक पहुँच गई है। सुल्तानपुर जिले में एक लड़के ने पैगंबर साहब की शान में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी कर दी, जिससे जिले भर के मुसलमानों में उबाल आ गया है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। ये मामला सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र का है, जहां हाफिज गुलाम सरवर अपने कुछ साथियों के साथ मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे थे। दरअसल गोसाईगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर संगत गाँव में रहने वाले अमन जायसवाल ने सोशल मीडिया पर पैगंबर साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी। अमन की भड़काऊ पोस्ट वायरल हुई तो मुस्लिम समुदाय ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाफिज गुलाम सरवर सिरवारा गांव की मस्जिद के इमाम है, जिन्होंने थाने में अमन के खिलाफ तहरीर दी है। गोसाईगंज में बच्चा जिसका नाम अमन जायसवाल है जी, उसने मेरे आका और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की, नज़ेबा कलमात इस्तेमाल किए, उसी की वजह से हम सभी लोग जो है यहाँ थाना गोसाईगंज में इकट्ठा होकर के यहाँ पर अप्लीकेशन दी उसके खिलाफ मुकदमा कायम करने के लिए जी। जिस पर हमें थाने से आश्वासन दिया गया जी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल नूपुर शर्मा ने हाल ही में टीवी चैनल डिबेट में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद कानपुर में हिंसा हुई। ठीक उसी तरह देश में भड़काऊ बयानबाजी का दौर शुरू हो गया और उसी लाइन में अमन जैसे लोग भी खड़े हो गए। वहीं इमाम का कहना है कि वक्त रहते प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो जिले में आंदोलन किया जाएगा। उसके बाद फिर हम जो है धरना प्रदर्शन करने की एसपी ऑफिस तक पहुंचेंगे और धरना प्रदर्शन भी करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि राजस्थान के बूंदी शहर काजी का बताया जा रहा है। इस वीडियो में शहर काजी शासन और प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की बयानबाजियों को रोका नहीं जाता तो इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। तीन जुमले बोलूंगा बस, ज्यादा लंबा चौड़ा कोई बयान नहीं करना, तीन जुमले बोलने हैं। पहला जुमला ये कि सस्ती शोहरत के खातिर ये जो भी कुछ करता है इंसान, सस्ती शोहरत के खातिर करता है। अफसोस की बात यह है कि उनके वालों में तो इतनी ताकत ही नहीं है कि उन्हें इज्जत और शोहरत दिलवा दे। अफसोस कि किसी को शोहरत भी चाहिए तो मेरे आका के कदमों में आना पड़ता है। बेशक, बेशक। पहले वो मेरे आका के कदमों में हाजिरी देता है फिर शोहरत पाता है। सस्ती शोहरत के लिए जो भी किया गया वो सस्ती शोहरत के लिए किया गया। अगला जुमला ये कि अगर ये शोहरत के लिए जिस तरह किया जा रहा है, अगर मामला ये है कि साहब ये चीज कानूनी तौर पर सही है तो फिर हम ऐसे कानून के खिलाफ भी जाएंगे। बेशक। और अगर कानून के खिलाफ है तो एक बात तवज्जो से सुन ले, चाहे वो बूंदी जिले का प्रशासन हो चाहे पूरे देश की हुकूमत हो, तवज्जो के साथ इस बात को सुन ले कि अगर मेरे आका की शान में गुस्ताखी उसने की है जो कि की है, और अगर कोई और भी करेगा तो इस बात को कान खोल कर सुन ले, उस पर एक्शन ले ले। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मुसलमान रिएक्शन देगा। बेशक, बेशक। और मुसलमान जब रिएक्शन देता है तो तवज्जो से सुने, तारीख उठाकर देख ले, जब जब जिस कौम के खिलाफ मुसलमानों ने रिएक्शन दिया है उनके लिए जमीन रब्बे जुलजलाल ने तंग फरमा दी। बेशक। वो दौड़े दौड़े फिरते रहे, उन्हें जमीन का एक टुकड़ा तक नसीब नहीं हुआ। तो अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो फिर हम रिएक्शन देंगे। और ये कोई गुजारिश उजारिश नहीं है, खुली चेतावनी है। पूरी दुनिया का मुसलमान उठेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान उठेगा, बूंदी का मुसलमान उठेगा, और अपने आका की नामूस के जो शान में गुस्ताखी की है उसका बदला हम लेना जानते हैं। तीसरा जुमला, हजरत गिरामी कद्र, बात जब नामूस की आती है तो हमने तारीख में देखा है सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की है, तो हम भी अगर मौका आएगा
तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। तुम मुझे गाली दो बर्दाश्त है, तुम मेरे वालिदैन को गाली दो बर्दाश्त है, तुम मेरे खानदानों को बुरा कहो बर्दाश्त है, लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी। बेशक, बेशक। हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी, अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हजरत गिरामी कद्र, फिर उसके बाद तुम चाहो तो हमें जेल में डालना, तुम चाहो तो लाठियां बरसाना, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न करेंगे, क्योंकि जो जान मांगोगे जान, तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर हमसे ये ना हो सकेगा कि नबी का जाहो दलाल देंगे। बूंदी के शहर काजी ने जिस अंदाज में प्रशासन को खुली चुनौती दी है, उससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। यह खबर हमारे संवाददाता अजहर अब्बास ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।